अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएस साइंस एकेडमी। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक छोटी सी कंपैरिजन बनाई थी जिसमें हमने मुख्तलिफ पेजेस को एक यानी कि एक ही पेज से लिंक कर दिया था और हमने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह एंकर टैग को इमेजेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने जो एंकर टैग इस्तेमाल किए थे वो इमेजेस पर नहीं थे, टेक्स्ट पर थे। आज हम उन इमेजेस पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से जा कर एक न्यू फाइल बनाऊँगा। इसको मैंने आउटसाइड बनाना है तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एक फाइल बनाऊँगा और उसका मैं नाम रख दूँगा tut16.html। मैंने इंटर मारा और मैं tut16 के अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहले html टैग्स, उनके अंदर हेड के अंदर वापस क्या आता है, टाइटल में डालने लगा हूँ। मैं इसमें देखता हूँ हाइपरलिंक थ्रो इमेजेस। फिर आ गई बॉडी के अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आज मैं लिखता हूँ कि H1 यही, इसमें लिख देता हूँ माई यूजफुल एप्लीकेशंस आर, मैं लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एंकर टैग लगा देता हूँ। एंकर टैग के अंदर मैं एक इमेज टैग लगाता हूँ, सही है, और इसको मैं 3 दफ़ा रिप्लिकेट कर लेता हूँ। इसको मैं Ctrl+C Ctrl+V इनकी सोर्स अलग अलग है। इसके अंदर इमेज टैग जो हमने लगाया है इसके अंदर हम यहाँ पे इमेज की सोर्स देते हैं। अब मैं इसकी सोर्स क्या डालनी है, देखें यहाँ पे हमारे पास पहले इमेज मैंने डाउनलोड कर रखी है गूगल फेसबुक। मैं लिखूँगा facebook.png, नीचे वाले में मैं लिख दूँगा google.png, उससे नीचे वाले में मेरे पास तीसरी इमेज है instagram.png। इन्हें मैंने डाल दी। इसको करने के बाद गो लाइव में क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आया है। देखें 3 इमेजेस आ गए, देखें 3 इमेजेस हैं, तीनों लिंक्स हैं। अभी काम इसलिए नहीं कर रहे कि मैंने लिंक डाले नहीं है। अब इनको कॉल करना है तो कॉल कैसे करेंगे, आपको याद हो अगर कि मैंने tut15 के अंदर हमने ये लिंक्स इस्तेमाल किए थे, सही है। तो अब यहाँ पे लिंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ पे सिंपल गूगल का लिंक डालेंगे। लिंक कैसे आएगा, सही है, इमेज तो आ गई, यहाँ पे लिंक लिखना है आपने https, सही है, उसके बाद colon/www.google.com/। अब पता नहीं लिंक ऐसे ही डालते हैं, बल्कि मैं सोचा कर लेता हूँ, अगर ये सही है तो हेल्पफुल होगा, सही नहीं है तो रोला हो सकता है। दोबारा जाके चेक करेंगे गूगल पे, गए गूगल, हाँ गूगल आ गया। अब इसी तरह हमने तीनों का बनाना है तो मैं इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। गूगल है यहाँ पे, पहले वाले में क्या है फेसबुक है, तो मैं इसको यहाँ से फेसबुक कर दिया, लास्ट वाले को मैंने इंस्टाग्राम कर दिया। अब आप देखें ये मेरे पास इमेजेस आ गई, मैंने क्लिक किया मैं फेसबुक के लॉगिन पेज पे आ गया, मैंने गूगल में क्लिक किया मैं गूगल के पास आ गया, मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया मैं इंस्टाग्राम में आ गया। तो इस तरह हम क्लिक करके इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकी विड्थ और हाइट चेक करनी है तो मैं क्या करूँगा तीनों इमेजेस के अंदर। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप अगर VS कोड के अंदर Alt दबा के जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे ना वहाँ पे कर्सर बनते चले जाएंगे। देखें अब यहाँ पे मैं करता हूँ हाइट, आई मीन दे देता हूँ 150 और बाहर आके वेट भी दे देता हूँ मैं 150। चेक करते हैं, ये अब थोड़ा सा आई थिंक छोटा हुआ है, नहीं हुआ है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऐसा ही है ये तो काफ़ी इनफ है। या मैं इसको अगर यहाँ से ये कर दूँ तो फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क नहीं पड़ा, हाइट और वेट फ़िलहाल यहाँ पे काम नहीं कर रहे। देखिए आल दबा के यहाँ क्लिक करें जहाँ जहाँ करना है और उसको अगर आप रिमूव करेंगे तो वहाँ पे मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी जो है ये बहुत कमाल है। ये देखें एक यहाँ पर रह गया, ये बाकी ऐसे ही है। अब ये हमारे पास लिंक्स बन गए हैं, मुख्तलिफ लिंक्स, पीछे हमने टेक्स्ट में बनाए थे, अब हमारे ये वैसे बन गए। अच्छा, इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा एक अल्टरनेट क्यों है, मैं लिखता हूँ फेसबुक
इमेज नीचे वाले में मैं लिख देता हूँ गूगल इमेज, नीचे वाले में लिख देता हूँ इंस्टाग्राम इमेज, तीनों लिख दी। अब आप चेक करें, अगर अभी तो आ रही है, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ गूगल का इंस्टाग्राम का टी उड़ा दो, ये सॉरी मैंने यहाँ से करना है, मैं यहाँ से टी उड़ा दिए सही है, तो अब क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यार, क्यों आई थिंक मुझे इसको यहाँ से दोबारा रीलोड करना चाहिए। पोर्टल तोड़ किए मैंने और दोबारा क्लिक किए, ये देखें अब यहाँ इंस्टाग्राम इमेज आ गई सही है, क्योंकि इमेज मेरी ख़राब हो गई थी वहाँ पे थी नहीं, तो इमेज आ गई। ये लिंक वही काम करेगा जो इंस्टाग्राम की इमेज ने करना था सही है, इसलिए हम देखिए अब यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम इमेज इंस्टाग्राम में से कोई इमेज नहीं मिली तो उसने ये डिस्प्ले कर दिया। जब यहाँ पे इमेज सही लिंक होगा तो फिर ये डिस्प्ले नहीं होगा। अभी तो मैंने डाल दिया है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, ये देखें आ गया सही है, मैं चाहिए आपको। तो इस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों को चेक कर सकते हैं, उनके ऊपर हम लगा सकते हैं हाइपरलिंक और उनके थ्रू दूसरी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी कि किस तरह हम इमेजेस के ऊपर हाइपरलिंक लगाते हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं इन तीनों चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी करके अपने 15 वाली फाइल के अंदर अबाउट के अंदर जाके मैं यहाँ लास्ट पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं आपको यहाँ से भी जाके दिखाता हूँ कि अब हमारी वो वाली चीज़ कैसे यूज़फुल होगी। ये देखें एक इमेजेस यहाँ पे आ गई हैं। अच्छा अब देखें एक और चीज़ आपको दिखाते, देखिए अब यहाँ पे इमेजेस नहीं आई, यहाँ पे इनके क्या आए हैं, इस तरह आए हैं, क्यों नहीं आई। देखिए मैं इस टाइम हूँ इस फोल्डर में, इसमें ये मेरी अबाउट है, लेकिन इमेजेस इस फोल्डर में नहीं है, इससे बाहर है ऐसे ही है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ करना पड़ेगा स्लैश सही है, डॉट डॉट स्लैश, इसका मतलब है फोल्डर से बाहर आए। कंट्रोल सी करके इसको यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, और अभी जाके देखते देखते तीनों इमेजेस आ गई। ये इस्तेमाल होता है बैक आने के लिए कि डॉट और स्लैश का मतलब इस फोल्डर से बाहर आए इमेजेस देखे सही है। तो अभी चेक करें, देखें इंट्रो में क्लिक करें तो हम यहाँ आते हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं यहाँ आते हैं, इमेजेस में क्लिक करें, तो इस तरह आप बहुत कुछ जो है अपनी वेबसाइट्स के अंदर डाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको आज समझ आई होगी, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारी HTML की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो इसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।